दिलीप क्रिकेट ग्राउंड को SCA की नोटिस मिली है, क्या है उस मामले में? दिलीप क्रिकेट ग्राउंड में जब सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन से मिस्टर महेंद्र राजदेव और एक मिस्टर भरत भाई करके जो ग्राउंड इंचार्ज हैं वहाँ के और पिच क्यूरेटर है वो आए थे जनवरी में, तो वो समय पे पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने ये क्रिकेट ग्राउंड पोरबंदर नगर पालिका को सौंप दिया था। और वो समय पे जो ग्राउंडमैन थे हमारे वो भी बाहर छुट्टी पे गए हुए थे और थे हैं। पानी की जो मोटर थी वो थोड़ा दिन से बंद थी, इसलिए ग्राउंड में इतना पानी का छंटकाव भी नहीं हुआ था, इसलिए ग्राउंड थोड़ा ड्राई दिख रहा था और पिच का भी थोड़ा ड्राई दिख रहा था। तो वो देख के उन लोगों ने ऐसे ही अपना मन बना लिया कि ये ग्राउंड खेलने लायक नहीं है और ये पिच खेलने के लायक नहीं है। उन लोगों ने न तो कोई सोइल टेस्ट किया था यहाँ पे, न तो यहाँ पे पिच बना के उस पर क्रिकेट खिलवा के या बाउंस देखा था या कुछ देखा था। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडिया का है, उसके एक नियम है कि जब रेड सोइल से पिच जो बनी है उसमें सैंड का पार्ट होना जरूरी है, क्योंकि 4 दिन का अगर मैच खेला जाता है एक पिच पे तो पहले दिन मीडियम पेसर को फास्ट बॉलर को ये पिच हेल्प होनी चाहिए, दूसरे दिन बैट्समैन को थोड़ा हेल्प होना चाहिए इस पे, तीसरे दिन स्पिनर का होना चाहिए और चौथे दिन थोड़े अनइवन बाउंस होने से मैच का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये BCCI का ही नॉर्म्स है और BCCI के जो चीफ क्यूरेटर है दलजीत सिंह जो मोहाली का ग्राउंड बनाते हैं वो भी यही चाहते हैं। लेकिन पूरे मामले में अगर हम दोषी माने तो किसको माने? अभी जब हमने पोरबंदर क्रिकेट एसोसिएशन ने ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने ये ग्राउंड नगर पालिका को सौंप दिया है तो ऑब्वियसली ये नगर पालिका का ही दोष होना चाहिए कि इसमें नगर पालिका को अपने जब ग्राउंड संभालने से पहले पूरे ग्राउंड में रखना चाहिए, पिच क्यूरेटर यहाँ पे रख देना चाहिए, पिच के बनाने के इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सबसे ज़रूरी जो है वो लाइट रोलर और मीडियम रोलर है। जो लाइट रोलर बोलते हैं वो 450 किलो का होना चाहिए, मीडियम लाइट रोलर बोलते हैं वो 750 किलो का होना चाहिए, जबकि अपने पास यहाँ पर 1 टन का एक रोलर है और 1-2 टन का रोलर है जो खाली मानसून में ही यूज़ करने का होता है। तो पिच बनाने के लिए ये इक्विपमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है।